हेलो डियर्स, आई एम उमा रमन पाठक। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। आपको कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स या अनुच्छेदों के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यहाँ पे उसके बारे में जानकारी देंगे। आर्टिकल 1-4 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो यूनियन एंड स्टेट है और ये पार्ट वन में है। तो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक इसको यूनियन एंड स्टेट बोलते हैं। इसमें पहले आर्टिकल में लिखा है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 2 में वो तरीके हैं जिससे कि देश में नए राज्य बनाए जाते हैं या किसी विदेशी राज्य को शामिल किया जाता है भारत में, और आर्टिकल 3 में जो है एक एग्जिस्टिंग राज्य को तोड़कर नया राज्य बनाना या किसी राज्य के नाम को परिवर्तित करना, और आर्टिकल 4 ये कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 में जो परिवर्तन होंगे वो राष्ट्रपति को पूर्व सूचना केवल देनी होगी और जो है सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगा, सिंपल मेजॉरिटी +1। तो आर्टिकल 1-4 यूनियन एंड स्टेट है। आर्टिकल 5-11 ये पार्ट 2 में है, और आर्टिकल 5 से 11 तक ये सिटीजनशिप को लेकर, इसमें नागरिकता है। तो आर्टिकल 5-11 में सिटीजनशिप है। फिर पार्ट 3 में आर्टिकल 12-35, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इसमें है फंडामेंटल राइट्स या नागरिकों का मौलिक अधिकार, ये पार्ट 3 में है। फिर आर्टिकल 36-51 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP है, ये पार्ट 4 में है। ठीक है, तो 1 से 4 तक पार्ट 1 में, 5 से 11 तक पार्ट 2 में, 12 से 35 तक पार्ट 3 में, और 36 से 51 तक DPSP ये पार्ट 4 में है, और इसमें है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसी पार्ट 4 में एक फोरे जोड़कर आर्टिकल नंबर 51A जोड़ा गया है, इसे फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं, जिसको कि 42th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में जोड़ा गया था। इसको बोलते हैं नागरिकों का मौलिक जो है ड्यूटीज या कर्तव्य। ठीक है, तो आर्टिकल 51A में है फंडामेंटल ड्यूटीज। फिर आर्टिकल 52 से लेकर 151 को द यूनियन बोलते हैं या संघ बोलते हैं, और ये जो है पार्ट 5 में है, आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक। फिर आर्टिकल 52 से लेकर 62 ये प्रेसिडेंट के बारे में है कि उसका निर्वाचन कैसे होगा, उसके काम वगैरह सब। तो ये जो है आर्टिकल 52 से 62 प्रेसिडेंट है। आर्टिकल 63 से 69 वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति है। आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक इसको द स्टेट्स बोलते हैं, और ये है पार्ट नंबर 6। तो आर्टिकल 152 से 152 से 237 द स्टेट्स हैं। उसके बाद आर्टिकल 243 को पंचायती राज सिस्टम बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 243 में क्या है, पंचायती राज व्यवस्था है। आर्टिकल 343 से 351 में राजभाषा है, भारत की जो राजभाषा है उसके बारे में है। आर्टिकल 352 से लेकर 360 में एमरजेंसी है। आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है कि किस तरह से भारत के संविधान में अगर अमेंडमेंट करना है तो उसके लिए एक आर्टिकल पूरा है, आर्टिकल 368 है। ठीक है, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। फिर आर्टिकल 110, आर्टिकल 110 में मनी बिल है या धन विधेयक है। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमा याचना की जो शक्ति है, पार्डन पावर ऑफ द प्रेसिडेंट है। उसके बाद आर्टिकल 112, आर्टिकल 112 में बजट है, बजट को लेकर अलग से वीडियो है आपके पास। और उसके बाद आर्टिकल 324 से लेकर 329 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। उसके बाद फिर आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर है। आर्टिकल 80 में स्ट्रक्चर ऑफ द राज्यसभा है। फिर आर्टिकल 148 से 151 तक, 148 से 151 में है कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल, या इसको बोलते हैं महालेखा परीक्षक। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग है, ये 148 से 151 में है। आर्टिकल 266(1) में है कंसोलिडेटेड फंड। ठीक है, संचित निधि बोलते हैं इसको। 266(1) में कंसोलिडेटेड फंड या संचित निधि है। आर्टिकल 267 में है कंटीजेंसी फंड, इसको आकस्मिक निधि बोलते हैं। 267 को आकस्मिक निधि, 266 को कंसोलिडेटेड फंड या संचित निधि। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल के बारे में है, इसको महाधिवक्ता बोलते हैं देश का। आर्टिकल 124 में स्ट्रक्चर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर 124 आर्टिकल में है।
और आर्टिकल 263 में इंटर स्टेट काउंसिल या अंतरराज्यीय परिषदें हैं। ठीक है, आर्टिकल 263 में इंटर स्टेट काउंसिल या अंतरराज्यीय परिषद हैं। इतने महत्वपूर्ण आर्टिकल है, एक बार इसको आप रिवाइज करिएगा और इतना जरूर ध्यान रखिएगा एग्जाम के पहले, तो आपको काफ़ी हेल्प होगी। इसी के साथ ये एक स्लाइड और मैं लगा दे रहा हूँ, इसमें भी देख लीजिएगा कुछ आर्टिकल्स हैं, और अच्छे से इसको समराइज करके जाइएगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और इससे आपको आर्टिकल तैयार करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। आपको पता चलेगा कहाँ से कहाँ तक क्या है और फिर आप क्लियर हो पाएंगे कि कहाँ पे डीपीएस पे है, कहाँ पे फंडामेंटल राइट है, कहाँ पे यूनियन है, कहाँ पे सिटीजनशिप है, कहाँ पे पंचायती राज है, कहाँ पे इमरजेंसी है। तो इस तरह से आपको शायद काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा आर्टिकल्स को लेके। एक बार इसको ज़रूर देखिएगा अच्छे से एग्जाम के पहले। इसी के साथ धन्यवाद, शुभ रात्रि।